दोस्तों एक सेट ये भी है, रुके चलना, ये सेट है रणबीर कपूर के आने वाले फिल्म संजू का। दोस्तों फिल्म कंप्लीट हो गई है मगर फिर भी दो चार सीन रह जाते हैं, कई बार दोबारा करने होते हैं। 31 मार्च को रिलीज है फिल्म, तो वो सीन यहाँ पर अभी होगा, भी सेट तैयार कर रहे हैं, शायद शाम को या कल से यहाँ पर शूट स्टार्ट होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो ड्रावना सा घर आप देख रहे हैं, ये घर बी आर चोपड़ा साहब का है। बी आर चोपड़ा, रवि चोपड़ा जब महाभारत बना रहे थे तब वो इसी घर में रहते थे। दोस्तों ये जो घर है फिल्म भूतनाथ में अमिताभ बच्चन साहब का घर है, जहाँ वो भूत बन के रहते थे। डर सबको लगता है, आह जैसी बहुत से ड्रावनी फिल्मों में आपने इस घर को देखा है। दोस्तों तो बी आर चोपड़ा रवि चोपड़ा दोनों का ही देहांत हो गया है, दोनों दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अगर आप उनसे मिलना हो तो रात के 12 बजे आते हैं, फ्री घर आपका हो जाएगा। On left side, this building is using horror movies and serials. How? Have a look. राजकुमार ईरानी की है, वो पे आए होंगे ना सेट देखने के लिए, सेट देखने आए होंगे। राजकुमार ईरानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है फिल्म के, संजू सर। वो दोस्तों जो हरी तीर वाला सीन, हाँ जी सर, वो तीर वाला सीन आप दिखा रहे थे अभी, आप देख मूवी देखी नहीं आपने, अभी देख लो। दोस्तों ये जो हरी हरी बिल्डिंग्स आप देखते हुए आ रहे हैं, इन हरी हरी बिल्डिंग्स को जब कलरफुल कर दिया जाता है, ढेर सारे रंगों से भर दिया जाता है, और जब सलमान खान यहाँ धिंक चिका करते हैं तो जगह कैसी लगती है एक झलक। दिस सॉन्ग इज मेड हियर, हैव अ लुक। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ऐसे बनाया गया था इसको, इस गाने में जो आपको ये कलरफुल बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो असल में ये खाली सड़क है। दोस्तों ऐसे डिजाइन करते हैं चीजों को, हमें पता नहीं होता लेकिन जब चीजें बनती हैं तो हमें पता चलता है। अभी बताइए कि हमारी इंडस्ट्री में कौन कौन काम करना चाहता है। अरे वाह वंडरफुल, आपको क्राइम पेट्रोल में खबरी का रोल मिल सकता है, फिर आपको ट्राई करना होगा। आपको तो हमारी इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए, केवल एक चीज, और वो है कॉमन सेंस जो भगवान ने किसी को दिया है। यहाँ क्या देखा जाता है, केवल एक चीज, आप कैसे दिखते हैं। जैसे आपका लुक अच्छा है तो आपको किसी सीरियल के अंदर हस्बैंड का कैरेक्टर मिल सकता है, और उसके लिए आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। दोस्तों हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आप जब चाहें तब आ सकते हैं यहाँ काम करने की, सिर्फ एक चीज चाहिए वो है आपकी कोशिश बस। लेकिन अगर आपको हीरो बनना है तो आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, फाइट आनी चाहिए, डांस आना चाहिए, राइट, वो सब चीज सीखनी पड़ती है। तो बाई तरफ एक इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, इसका नाम है विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, जहाँ पर एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के जंत्र मंत्र और तंत्र सिखाए जाते हैं। दोस्तों कई बार क्लासेस देख लें, अमिताभ बच्चन भी आते हैं यहाँ पर बाई तरफ ऑन लेफ्ट साइड। दोस्तों फिल्म दिल है मुश्किल के अंदर जो आपने प्यार, जो ऐश्वर्या राय की मुलाकात होती है ना रणबीर कपूर से एयरपोर्ट के अंदर, वो एयरपोर्ट से बनाया गया था। मुन्ना भाई बीबीएस के अंदर जो आपने प्यार की झप्पी वाला हॉस्पिटल देखा है वो भी यही है। ऑन लेफ्ट साइड दिस इज विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, इट्स अ फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट, इवन दिस प्रीमिस इज यूज शूटिंग अ मूवी कॉल्ड क्रिश, दिस वाज शोन एज साइंस लेवल नसीरुद्दीन शाह, एंड मूवी कहती है मुश्किल, इट वाज शोन एज द एयरपोर्ट, इंटीरियर्स ऑफ एयरपोर्ट इन दैट मूवी। You understand English, ma'am? You understand English? No? Because I think she's not getting me, right? Not problem. Okay. I'll explain that. बदलते जमाने के साथ साथ ट्रेनिंग की आवश्यकता को महसूस किया गया और स्थापना हुई विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल की, जहां ट्रेनिंग दी जाती है कल के कलाकार और टेक्नीशियंस को। यहां सिखाया जाता है तंत्र और मंत्र फिल्म मेकिंग का। आप भी यहां फिल्म मेकिंग का हुनर सीखकर अपनी प्रतिभा को तराश सकते हैं।
दोस्तों एक शूटिंग वो बिस्लिंगवुड में भी चल रही है और दिख रही है ढंग से, बहुत सारे वो आ रहे हैं ना, तो वहाँ चल रहा है कुछ, मेरे ख्याल से बनाया हुआ है कुछ, आर्मी का ये बनाया हुआ है। हमारी भारत की फिल्म नगरी जानी जाती है गानों की वजह से, गाने इंडस्ट्री की जान है। मेरे गाने कहाँ बनते हैं? वो गाने यहाँ बनते हैं, ये देखिए। गाने कौन से? मैं तेरे काबे हूँ या घटा छा गई है, लड़की कर गई चिल तेरा ध्यान कितना है, इस तरह के बहुत सारे गाने यहाँ पर बने हैं। वेल ऑन राइट साइड वी हैव सो मेनी गार्डन्स हियर, वेल इन दिस गार्डन सो मेनी बॉलीवुड सॉन्ग्स वर मेड। हैव अ लुक। ऐसे एक से बढ़कर एक गाने इसी गार्डन में फिल्माए जाते हैं दोस्तों। चलिए लेट्स गो दोस्तों। हाई अलर्ट एरिया है, चेकिंग होती है यहाँ पर, इसीलिए कई बार क्या होता है कुछ उपद्रवी तत्व आ जाते हैं यहाँ फिल्मों। हाँ दोस्तों, हमारी फिल्म सिटी जो है 520 एकड़ लैंड में फैली हुई है। यहाँ का जो यहाँ की जो आबो हवा है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। कई बार यहाँ पर नैनीताल, शिमला, मनाली भी हमारी फिल्म सिटी बनाया जाता है। बाई तरफ जो सेट देख रहे हैं, कलर्स मराठी में सेट आता है, सरस्वती का सेट है ये। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये फिल्मी दीवार है। एक छोटा सा मुक्का बड़ा सा छेद कर सकता है इस दीवार में। दोस्तों दीवार को कभी कलर कर देते हैं तो ये बन जाती है बिनानी सीमेंट की मजबूत दीवार। ऑन लेफ्ट साइड दिस इज द सेट ऑफ सरस्वती सीरियल। वेल दिस वॉल इज नॉट रियल, दिस वॉल इज मेड अप ऑफ जूट सैक, इट्स अ क्लॉथ, अ नॉर्मल कलर कैन मेक इट अ स्ट्रॉन्ग वॉल। अशोका पुत्रा महाराणा प्रताप सिया के राम जय हनुमान, इस तरह के बहुत सारे सीरियल यहाँ पर शूट होते हैं। ऑन द राइट साइड दिस इज सेट ऑफ आरएम, सो मेनी हिस्टोरिकल एज वेल एज मैथमेटिकल शूट यहाँ पर हियर। ये देखिए रावण की लंका, देखिएगी ये है। झटक तो किसको, फटक तो किसको, रुला तो किसको, हंसा तो किसको, अगर मैं चाहूं पर्वत हिला दूं, आकाश पाताल रेखी मिला दूं। रावण हेलीकॉप्टर में आता है, सीता को लेके चला जाता है। दोस्तों अभी देखिएगा आप, थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं लोकेशंस को। पीओपी प्लास्टर पेरिस से बनाया गया है ये पूरा सेट। यहाँ से आपको दिखेगा जो हिस्सा खराब होता है दोबारा बना दिया जाता है खोल करके। ऐसा नहीं कि ये टूटता नहीं है, टूटता है मगर दोबारा बन जाता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं कि हमेशा ही रहेगा। कोई भी हिस्टोरिकल शोज करने होते हैं तो इसी लोकेशन में थोड़ा बहुत फिर बदल करके चेंज करते रहते हैं। और अब यहाँ शूटिंग होती है भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप की। ये हमारा के तौर है, ये हमारी मातृभूमि है। फिल्म सिटी पहाड़ों से और घने जंगल नुमा पेड़ों से घिरी हुई है। इन पेड़ों का इस्तेमाल करके जंगल दिखाया जाता है और पर्दे पर यह जंगल कुछ इस तरह से दिखता है। बैक करते हैं दोस्तों, कुछ
चल रहा है, क्या पता आप देख पाए, शूटिंग तो चल रही है, तो क्या करके दिखाते हैं आपको। हाँ एक्चुअली यहाँ पे उतरना मना है ना, तो हम उतार नहीं सकते आपको, तो थोड़ा सा गाड़ी से देखते हैं क्या करेंगे, आपसे ज्यादा मजबूत तो हम लोग हैं। एक बार स्विच में हो जाए ना दोस्तों, शूट हो रहा है सीरियल साम दाम दंड भेद का। एक्टर वो बैठा हो ग्रीन शर्ट में ना, ग्रीन टी शर्ट में, ग्रीन कुर्ते में लड़का बैठा है, वो जो फोटो देख रहे, फोटो में जो लड़का है ना, पूछा था वही है, सेम जो बैठा हुआ है वहाँ पर। कहाँ से गाड़ी दोस्तों, प्लीज बैठ जाइए, ये कुछ नेता वेता बने हुए, लड़का बैठा ना ग्रीन कलर की ड्रेस में, वही हीरो है इसका सीरियल का। शूटिंग फॉर सीरियल साम दाम दंड भेद दोस्तों, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये सेट है संभाजी का, संभाजी दिखाओ, कुछ लोग देखते हैं संभाजी, आवाज नहीं करती। हाँ दोस्तों, ये संभाजी महाराज यहाँ पर शूट होता है। संभाजी शिवाजी जी के बेटे हैं, शिवाजी जी के बेटे, राइट। जब दिल्ली में औरंगजेब थे तो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज और संभाजी थे, और पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है, उस समय की बात है। तो यहाँ पर वो सीरियल शूट होता है। देखिए मेरे ख्याल से एक वॉर्निंग वहाँ पर बैठे भी हैं, पंडित जी टाइप के, हमें से गाड़ी आगे बढ़ाना, खुद वो खड़े हैं ना वो चोटी में, ये कुछ वो घूम भी रहे, टेलीफोन जो टेलीफोन कर रहे हैं, ये सब एक्टर्स लोग हैं दोस्तों, उस जमाने में टेलीफोन नहीं थे तो टेलीफोन छुपाना पड़ेगा। चलिए ये 16th सेंचुरी के आसपास की बात है, जब संभाजी महाराज थे, ताजमहल उसी टाइम का है। दोस्तों ये है फरिश्ते मैदान, यहाँ पर भी कई फिल्मों के सेट लगाए गए, और यहीं पे हुई थी फरिश्ते की शूटिंग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है, हमारे कहावत डंडा सबका पीर होता है। विजडम ट्री प्रोडक्शन का, विजडम ट्री जिनकी मूवी रिलीज होने वाली है मोहल्ला 80, संजय दत्त सनी देओल के साथ, और उनकी एक और फिल्म आ रही है सनी देओल के साथ, वही उसी फिल्म का सेट है ये, तो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं उस फिल्म का सेट कंप्लीट। ये भी कुछ हिस्टोरिकल टाइप की मूवी लग रही है, वॉरियर्स वगैरह हैं इसके अंदर बहुत सारे। हाँ राइट हैंड साइड में जो सेट है ये सेट है फिल्म ओम शांति ओम का। किसी चीज को दिल से जाओ तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। दोस्तों उस फिल्म के बाद यहाँ पर शूट हुआ था सीरियल सुहानी सी एक लड़की, और अब शूट होता है 51। तो जगह एक होती है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। राइट साइड दिस इज द सेट ऑफ अ मूवी ओम शांति ओम, इट वाज शाहरुख खान स्टार मूवी। राइट नाउ दे आर शूटिंग फॉर अ न्यू सीरियल कॉल्ड 51, दैट मीन्स 51 इन इंग्लिश। चलिए थोड़ा सा नीचे रोकना, हाँ बैठ जाओ बच्चों, प्लीज बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ जी बैठ जाओ। दोस्तों तीन सड़कें दिख रही हैं, ऊपर वाली जाती है सीधे वैष्णो देवी, अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना जितेंद्र आपको यहाँ से वैष्णो देवी ले गए हैं। चलो गुलाबा
आया है, माता ने बुलाया है करते हुए, ठीक है दोस्तों। और कई बार यहाँ पर माइलस्टोन लगाए जाते हैं, दिल्ली 300, 200, 100, 500 दिल्ली आ जाता है, बताते ना खाते हैं। और कई बार बैरिकेड्स लगाते हैं गाड़ी के आने जाने की चेकिंग, जैसे आप सीआईडी में अक्सर देखते रहते हैं, सुल्तान फिल्म में देखा, आपने रईस में देखा है, इस तरह से बनाते हैं। और नीचे वाली सड़क जाती है मनाली, फिल्म आपने देखी जब भी मैं ये इश्क हाए बैठे बिठाए करते हुए आपको करीना कपूर मनाली लेकर गई है। और जो आपने बर्फ देखी, बर्फ नहीं, वो चूना नमक ड्राई आइस और थर्माकोल से बनाई हुई बर्फ थी। ऐसा होता है ठंड में कैमरे को मॉइस्चर आ जाता है, कैमरा रिजल्ट नहीं दे पाता, एक्टर्स भी ठंड में बीमार पड़ जाते हैं, टीम गड़बड़ हो जाती है। तो 5-7 दिन मनाली में शूट करते हैं, बाकी 15-20 दिन यहाँ शूट करते हैं, फिर सीन्स को मैच कर देते हैं, राइट। इसीलिए फिल्म मेकिंग जो होती है एक आर्टिफिशियल आर्ट है, बहुत स्टाइल से डेवलप करनी पड़ती है, तब जाके चीजें बनती है। चलिए, सो वेल दिस ट्राइसेक्शन इज यूज इन सो मेनी मूवीज एज हाईवेज इन मूवीज, गोइंग टू द हिल स्टेशन और एनी यू नो sometimes they put some barricades here to check the vehicles in and out scenes, exit entry scenes and all. दोस्तों फिल्म अगर आपने देखी है, यशराज चोपड़ा की मूवी ज्यादा शूट होती है स्विट्जरलैंड, मगर सारे सीन वहां नहीं होते, बहुत सारे सीन्स यहाँ लिए जाते हैं। जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और बाई तरफ दोस्तों सीआईडी क्राइम पेट्रोल और साउथ इंडिया की लाशें मिलती हैं और कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया। फिल्म जंगल जासूस का पुरुलिया है ये, रामायण का चित्रकूट का जंगल जहाँ राम लक्ष्मण और सीता गुम हो गए थे, जहाँ हनुमान जी मिले थे जय हनुमान करते हुए, तो यहाँ पर बनाया जाता है। जब तक है जान का कश्मीर है ये, जब तक है जान, अगर आपने मूवी देखी हुई तो ब्लास्टिंग के सीन ज्यादातर यहाँ फिल्माए जाते हैं। ये देखिए कोई यहाँ दिख सकता है आपको जी, तो गाड़ी शुरू रखो, नीचे कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ होने वाला है दोस्तों, पक्का कुछ न कुछ क्राइम पेट्रोल का सीन होगा पक्का, देख के लग रहा है कुछ तो होगा। वेल दिस प्लेसेस यूज ए क्राइम काइंड ऑफ सीक्वेंसेस सीरियल्स। आपको एक ऐसे मंदिर लेके जाते हैं जहां भगवान की शूटिंग किया जाता है। काशी घाट बनारस का मंदिर बन गया भाई, बनारस का मंदिर बना दिया इसको, तुलसी घाट काशी घाट। दोस्तों यहाँ आने से पहले अमिताभ बच्चन साहब के फिल्मी घर में होकर के आते हैं, ठीक है, तो आइए मेरे साथ, पहले आदमी अमिताभ बच्चन का घर घूम के आएंगे थोड़ा बहुत, फिर न्यूजीलैंड देख करके फिर यहाँ पर आते हैं। काम आप लोग कहाँ से आए हो? आपको दिल्ली भी खाएंगे अपनी सिटी में। कम क्लोजर, कम फास्ट। दोस्तों सेंटर में आपको आइलैंड दिख रहा है, वो फिल्म कहो ना प्यार है, न्यूजीलैंड है वो। दिल मेरा कहो ना प्यार है। दोस्तों शूटिंग थाईलैंड में हुई उसकी मेजर, मगर मेन लिपसिंग वाले सीन होते हैं वो सी में करने बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्लोज सीन चाहिए होते हैं, तो इसको वही आइलैंड बनाया गया था। पानी को ब्लॉक करते हैं और ब्लॉक करके वेव मेकर मशीन से वेव्स बनाते हैं,
जैसे वाटर पार्क में आप देखते हो ना, देखने वाले को लगता है कि आप सी में शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारी मूवी शूट हुई हैं, अभी एक मूवी आई थी डियर जिंदगी, बेगम जान वगैरह, ये बैंक में शूट हुआ है। नीरजा मूवी के अंदर भी देखा है आपने, जो अंत्योष्टि दाह संस्कार के सीन दिखाते हैं फिल्मों के अंदर, वो भी ज़्यादातर यहाँ पर किए जाते हैं। बहुत सारे गाने बने हैं, हम तुमको निगाहों में, हम तुम्हारे हैं, वो हमको तुमसे, बहुत सारे गाने यहाँ पर शूट किए जाते हैं। फिल्म आपने देखी है जाल दी ट्रैप, जो अभी देवदास का गाना देखा था ना, डोला रे डो, पानी में जो कलकत्ता बनाने का सीन था, उस तरह के सीन यहाँ पर बनाए जाते हैं। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर नैनीताल कश्मीर बनाया जाता है। फिल्म साजन, मेरा दिल भी आते आते आते, ओ मेरा बाबू छबीला, बहुत सारे गाने बने हैं। वो बहुत पहले से वहाँ पर शूटिंग होती थी फिल्म कश्मीरी के लिए, याद है, ये चांद रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, उस गाने में एक बोट के अंदर बहुत सारी गर्ल्स डांस कर रही हैं। अगर वो गाना रियल में कश्मीर में किया जाएगा और कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो एक आध गर्ल तो पानी में, और ये क्या है, थोड़ा इतना गहरा है, शूटिंग करते समय जान माल की हानि का खतरा नहीं होता। पानी के लेवल से ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है लकड़ी का, जहाँ पर चीज़ें फिक्स की जाती हैं, कैमरा, लाइट्स, गीमें वगैरह, तब जाके इतनी अच्छी क्वालिटी निकल के आती है। फिल्म मेकिंग एक टेक्निकल आर्ट है दोस्तों, वो टेक्निकली फिजिबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जरूरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पद्मावत जरूरी नहीं कि उसके लिए वहाँ का चित्तौड़ जाके शूट करना पड़े, यहाँ भी किया जा सकता है, पर लोकेशन ऐसी लगनी चाहिए जैसे वाकई में चित्तौड़ में किया गया है। इसीलिए फिल्म के जो बनाए हुए प्रूफ होते हैं उन्हें नहीं माना जाता सच, तो रीज़न ये है कि उसमें बहुत सारी चीटिंग की जाती है। आइए लेट्स गो। आइए प्लीज कम, आप लोग कहाँ से आए हो? आप तो मुंबई से ही हो, कहाँ से हो? अरे वाह, वहाँ पर तो उम्मीद भवन है ना, वहाँ पर वो मूवी शूट हुआ था, जुबैदा का शूटिंग। कम कम, वो घर है जोधपुर में, जो मर जाते ना गसीन जी, बागबान यहाँ पर बनी है, जो एंड वाला घर था फिल्म बागबान में अमिताभ का था, और इस सेंटर वाला घर ऐश्वर्या का है फिल्म जज्बा में। जहाँ आप लोग खड़े हैं यहाँ बहुत सारे